हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर यानी मैथ्स बेसिक एजुकेशन हब पर, जिसके अंतर्गत मैं इस समय तैयारी करा रहा हूं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा सत्र 2020-21 के लिए, जिसके अंतर्गत मैं गणित के ढेर सारे सेट्स आपको हल करा के डाल चुका हूं। कुछ आपको क्वेश्चन भी दिए थे, कुछ बच्चों ने कमेंट किया है क्यों ना सर जी आप मानसिक योग्यता यानी रीजनिंग के प्रश्न बनाएं, तो आज मैं रीजनिंग के प्रश्न लेकर के आया हूं पूरे 40, जो कि आपका बिल्कुल हूबहू वही पैटर्न है जो कि जवाहर नवोदय विद्यालय प्रबंध समिति आपको पेपर बना के देगी, जो कि आपको 11 जनवरी को होने वाला है। तो आइए शुरू करता हूँ आज का ये वीडियो। तो इसमें खंड 10 आएंगे, तो मैं पहला खंड आपको करवा रहा हूँ, मतलब 10 खंड आपको कराऊंगा, उसके मैं इंट्रक्शन आप लोग पढ़ते जाइएगा। ये जरूरी नहीं है कि जैसे हम यहाँ पर क्वेश्चन बता रहा हूँ बिल्कुल उसी सीरीज में या क्रम में क्वेश्चन आएंगे, वो इधर उधर हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन आपके वही होंगे। तो सबसे पहले मैं खंड पढ़ दे रहा हूँ। खंड एक में 4 क्वेश्चन है पूछा जा रहा, प्रत्येक प्रश्न में 4 आकृतियाँ ए बी सी डी के रूप में दी गई हैं, इन चारों आकृतियों में से 3 आकृतियों में कोई समानता है एवं एक आकृति भिन्न है, भिन्न आकृति का पता लगाएं और उस पर सही आकृति के क्रमांक को उत्तर पुस्तिका में लिखें। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 चित्र दिए गए हैं, चारों में से एक कोई चित्र बिल्कुल अलग होगा और उस अलग चित्र को छांटना है और वही आपका हो जाएगा आंसर। तो इसमें देखिए तीनों दिए गए, झटाझट आप फटाफट मुझे बताइए कि इसमें कौन सा अलग है। देखिए इसमें पहला दूसरा तीसरा दोनों रेखाएं कहीं कहीं काट रही हैं और डी वाले में दोनों रेखाएं नहीं काट रही हैं, ये सबसे होगा अलग। तो यहाँ पर हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए मैं पढ़ता हूँ अगले प्रश्न पे। अगला हमारा प्रश्न है जिसमें दो गोले, आपको एक गोला बना है जिस पर दो तीर काट रहे हैं, तो इसमें देखिए सी बिल्कुल अलग हो रहा है, इनमें दोनों के तीर एक तरफ को हैं, इसमें भी एक तरफ है और सी वाले में तीर बिल्कुल विपरीत दिशा में, इसलिए हमारा उत्तर यहाँ पर दूसरा वाला होगा। प्रश्न तीन में भी आपको देखना है कौन सा अलग है। देखिए यहाँ पर ये एक चतुर्भुज है जिसमें एक हिस्सा रंगा हुआ चौथियाई, ये भी चतुर्भुज, ये भी, यहाँ पर सी वाले में वृत्त है, बाकी सब चतुर्भुज है और सी वाला हमारा वृत्त है, यानी वो बिल्कुल अलग है। आइए बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर आप देखें तो बहुत सावधानी पूर्वक कि एक हिस्सा बीच में रंगा है, उसके एक बगल वाला है यानी उसके साथ रंगा हुआ है, उसके साथ साथ एक वृत्त दिया गया है। इसमें देखिए जो रंगा है उसके सामने एक वृत्त है, जो रंगा उसके सामने एक वृत्त है, इसमें रंगा है लेकिन यहाँ पर होना चाहिए था वृत्त, वो साइड में है, इसमें ये रंगा, इसमें सामने देखिए वृत्त था, इसका मतलब यहाँ पर सी वाला बिल्कुल अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें वृत्त जो है इसके सामने नहीं है, इसलिए आंसर आपका सी होगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ अगले प्रकार की ओर और बताता हूँ उसका इंट्रक्शन। तो देखिए दूसरे प्रकार में आपको बताना है एक ही आकृति, मैं आपको इसका बता दे रहा हूँ, जो पूरा लिखा बार बार पढ़ेंगे तो आपको उतना टाइम लगेगा। इसमें एक ही आकृति दी गई है और इसके समान बिल्कुल हूबहू कौन सी आकृति है। ये 4 क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इनको अगर थोड़ा सा अपना ध्यान करेंगे कंसंट्रेट तो आप आंसर अवश्य दे पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए पाँचवें में चौथी आकृति बिल्कुल इसके हूबहू है, तो यहाँ पर आंसर आपका चौथा वाला सही है। चलिए मैं पढ़ता हूँ आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर छः में आपको देखना कौन सी आकृति बिल्कुल इसके जैसी, यानी इस तीर को भी देखना है, ऊपर वाले के तीर को भी देखना है और इस तीर की मतलब जो दिशा है वो इस साइड को है, ये भी आपको देखना है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका देखिए बी मिल रहा है। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आपका सातवां, जल्दी से आप गेस कीजिए सातवें कौन सा चित्र है जो कि आपका बिल्कुल हूबहू है। तो सातवें में आप देखिए, सातवें में अगर आप मिला रहे होंगे बिल्कुल, अगर आप देखें तो ए है, मतलब मेरे साथ आप भी करते रहे जल्दी जल्दी जिससे आपको उत्तर मिल सके। क्वेश्चन नंबर आठ में देखिए कौन सी आकृति बिल्कुल जिसमें एक ये रंगी हुई, एक ये रंगी हुई, फिर इसके विपरीत में एक ये रंगी हुई और ये वृत्त है। इस हिसाब से आठवां, जल्दी करिए कौन सा क्वेश्चन है। तो आठवें हम देख रहे होंगे सी वाला हमारा आंसर सही है। अगले प्रकार की हमारी तीसरी जो रीजनिंग है उसमें करना क्या है, आपको यहाँ एक ये चारों में आपको एक आकृति में दो दो तीन तीन टुकड़े दिए गए हैं, वो टुकड़े इन सब आकृतियों में ऐसी कौन सी आकृति है जिसमें ये समाहित हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9, ये देखिए 3 त्रिभुज किसके अंदर पूरे पूरे हैं ये आपको बताना है। तो आपने गेस कर लिया होगा इसका आंसर, ये भी बहुत आसान होता है लेकिन आप इसे बहुत आराम से देखिए। चलिए
तो गेस करते हैं और गेस करके देखिए, नाइन्थ में सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही है, जहां पर तीनों टुकड़े मिल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, 10 में देखिए ये तीनों टुकड़े जहां पर, ये कहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, यानी ये वाला भी आ जाना चाहिए इसमें। इसको अगर बहुत सावधानी पूर्वक देखें तो ये आपका ए वाले में मिल रहा है। अगला प्रश्न 11, 11 में देखिए ये तीनों टुकड़े किस आकृति में पूर्णतः मिल रहे हैं, जिनमें तीन टुकड़े दिए गए हैं, तीनों टुकड़ों में दो टुकड़े बहुत सिंपल हैं ये और ये, चौथा टुकड़ा ढूंढना है कहाँ पे। तो देखिए गेर में मैं आपने लगा लिया होगा इसका बी, बी में देखिए तीनों टुकड़े ये मिल रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में तीन टुकड़े दिए गए हैं और ये देखना है किस, ये तीनों टुकड़े किसके अंदर हैं। तो ये तीनों टुकड़े आपको देखिए, एक तो आपका वृत्त है, दूसरा चतुर्भुज है, अगला भी एक चतुर्भुज है लेकिन तिरछा है, ये देखिए चौथे में पूरा मिल रहा, यानी डी सही है। चलिए बढ़ता हूँ आगे। देखिए चौथे प्रकार की जो हमारी रीजनिंग है, इस चौथे वाले प्रकार में आपको करना है कि एक तरफ एक चित्र कटा हुआ दिया गया, उस चित्र को पूरा करना, यानी इधर वाले चित्र को पूरा करना। देखिए चित्र है, इसमें एक दोनों साइड्स बराबर लग रही हैं, तो इसको एक वर्ग बनाना है और ये कटे हुए भाग कौन सा इसके अंदर आके मिल रहा है। अगर आप इसको बहुत गौर से देख रहे होंगे तो केवल एक बी ही ऐसा है जो पूरी लाइन इसमें मिल रही है, यानी इसमें ऑप्शन ये वाला सही है। चलिए मैं पढ़ता हूँ आगे और बताता हूँ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में अगर आप इसको देखें, इसमें कौन सी आकृति आके मिलेगी जिसमें ये उठा हुआ हो और इसमें आपका तीनों तरीके से इसको मिलाना भी है अंदर से। तो 14 में आपको देखें, 14 का देखिए सी वाला, ये देखिए ये यहाँ से कटा हुआ, थोड़ा ये कटा हुआ, ये अंदर आएगा ये भाग, यानी 14 का सी। 15 का देखिए, तो 15 में अगर आप बहुत गौर से देख रहे होंगे तो 15 में देखिए छोटा छोटा आया और उधर वाला बड़ा होगा क्योंकि वर्ग टाइप का मिलेगा। तो 15 का इसको देखने से डी वाला ऑप्शन आपको समझ आ रहा होगा। अब हम बात करेंगे 16 की, 16 में अगर आपको ऊपर से देखिए इसको मिलाना है पूरा ये ऐसे आकर के, तो इस हिसाब से सीधा नहीं बना, तो इस हिसाब से अगर आप ये देखें, देखिए कटा भी है दोनों तरफ मिलना भी रहेगा और आके इस पर बैठना भी है, तो 16 का आपका ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। हमारा अगला हमारा पांचवा प्रकार है जिसके अंतर्गत पांचवे में देखिए जो भी हमें करना है, एक आकृति दी गई, उस आकृति से एक हिस्से को हटा लिया गया है और उस हिस्से को हमें पूरा कौन करेगा इसके बारे में यहाँ पे बताना है चारों क्वेश्चनों में। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 को बहुत अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो 17 में अगर आप देखें तो कौन सी इस आकृति को दोनों लाइनें, ये लाइनें जो है आके आपको मिलाएगा, दोनों आकृति आकर के ये और ये मिले उसके बाद वृत्त हो, तो इस हिसाब से अगर आप 17 को देख रहे होंगे और उसके बाद एक लाइन भी हो तो वह सिर्फ और सिर्फ 17 में देखिए बी ऐसी है। 18 अगर आप देखें तो 18 में आपको करना क्या है, फिर इसमें आके मिलाना है, यानी चौथा, अब आप बिल्कुल इसके सामने की आकृति जैसा बनाना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा देखिए 17 में आप लोग गेस करिए, 17 में आपका क्वेश्चन जो है वो देखिए सी की तरफ इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि सी वाला आकर के मिलेगा तभी जाके ये वाला आकृति हमारी पूरी हो पाएगी। 17 का सी। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए जो आपको बनाना है और उसमें कौन सी ऐसी आकृति है जो इसको पूरा करी, 19 को थोड़ा गौर से देखेंगे तो इस पे एक पूरा इस टाइप से आएगा ये और उसके बाद ऊपर एक बिंदी भी होती है, इस हिसाब से अगर आप सी को देखें तो हमें लगता है बिल्कुल आपका सही जवाब सी भी होगा। अगर 20वां देखें तो 20वें में का ये यहाँ पे कौन सी आकृति आकर के आपको मिलेगी, तो 20वें में अगर आप इस आकृति को देखें तो यहाँ पर बिल्कुल ए जैसे बनता है और बीच में ना कटा हो, तो इस हिसाब से ये आकर के ऐसे मिलेगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर देखिए डी वाली आकृति आपको ज़्यादा सुटेबल मिल रही है, यहाँ पर आकृति डी, हालांकि ए भी आकृति कोई बहुत गलत नहीं बनी है लेकिन डी आकृति, क्योंकि यहाँ पर ए इसलिए नहीं क्योंकि डार्क भाग है वो इधर आ रहा है, उसमें डार्क भाग उस साइड होना चाहिए, इसलिए डी ही आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे। अगला हमारे पास प्रकार है, ये देखिए आपको एक समस्या आकृति यहाँ पर दिख रही होगी, इसमें करना क्या है, खंड 6 में कि आपको कोई एक
आकृति दी होगी, उसके सम्मुख एक दर्पण रखा जाएगा और दर्पण रखने से वो वस्तु कैसी दिखाई पड़ेगी। तो देखिए इसमें दाएं का बाएं दिखता है और बाएं का दाएं दिखता है, ये मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूँ। तो 21 में ऐसी कौन सी चीज़ है, ये आर्म दाएं की बाएं और बाएं की दाएं दिखेगी। तो 21 में अगर आप देखें तो बिल्कुल ये बी में होगा, जो दाएं का बाएं और बाएं का दाएं दिखेगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम 22 की बात करें तो 22 में आप क्या करिए, ये जो चिन्ह है इनको सिर्फ आप पलट दीजिए ऊपर के नीचे, नीचे के ऊपर, यानी दाएं के बाएं, यहाँ जैसे ही करेंगे तो इस हिसाब से अगर 22वें का क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे सी वाला नज़र आएगा। क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 जो है टी है, और टी को जब भी हम दर्पण में देखते हैं तो टी में समरूप है, इसलिए इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा, तो ये ए है उसका ही जैसे दिखेगा। सी वाला अगर 24 की बात करें तो 24 में देखिए आप दो टी बने हैं, और दोनों टी को अगर देखा जाए तो वो कैसे दिखेंगे, तो वो भी अब यहाँ पर ये दाएं के बाएं, बाएं के दाएं, मतलब इनकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और ये हमारा 24 का सी जैसा दिखाई पड़ेगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ आगे। अगली हमारा जो सातवां प्रकार है उसमें करना क्या है, एक श्रृंखला दी गई है, एक ये व्रत है, दूसरा ये व्रत, तीसरा ये, तो इसमें कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कुछ बदलाव हो रहे हैं, इसके हिसाब से चौथा व्रत में जो परिवर्तन होगा वो कैसा होगा उसके आधार पर आपको आंसर देना है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर एक छोटा सा ये व्रत है, फिर ये तीर है, व्रत तीर, ये धीरे धीरे एक दूसरे को बदल रहे हैं, छोड़ रहा है, जहाँ पर पहले व्रत होता है, जहाँ पर हमारा ये तीर तीर की जगह व्रत, व्रत की जगह फिर तीर तीर और व्रत की पुनरावृत्ति हो रही। इस हिसाब से अगर आप देखें तो 25वें वाले में आपको डी वाला, यानी इसके बाद डी वाला ऐसा बनता हुआ आपको प्रतीत होगा, तो इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर डी सही है। 26 में अगर आप देख रहे होंगे तो 26 में ये रेखाएं आपकी बढ़ती जा रही हैं, मतलब 25 में एक रेखा इधर बढ़ गया, फिर एक रेखा बढ़ गया, बढ़ने के बाद फिर रंग आई, यानी रंग उसमें शुरू हो गया। तो अब आपको बताना है 26 में ऐसा कौन सा होगा जो इन, यानी प्रत्येक चरण में एक रेखा की संख्या बढ़ रही है और छायांकित भाग की संख्या अगले चरण में अब कितनी हो जाएगी। पहले में देखिए यहाँ दो थी, फिर तीन हुई, अगले में चार होगी, तो चार किस में होगी और चार कहाँ कहाँ होगी, ये चीज़ ध्यान देने की होगी। और इस हिसाब से अगर 26वां आप देख रहे हैं तो 26 का हो जाएगा आपका ए। ठीक इसी प्रकार से 27 है, 27 में देखिए वो घूम जा रहा है थोड़ा सा इधर उधर और वृत्त बन जा रहा है। इस हिसाब से अगला अगर 27 में देखें तो हमारी कौन सी आकृति बनेगी, तो 27 में बन जाएगी आपकी डी वाली। ठीक इसी प्रकार से 28, इसको बहुत ध्यान देना है और इसे कैसे करना है, तो हमारा ये 28 वाले में अगर आप देखें तीर जो है वो शीर्ष के विपरीत दिशा में चला जाएगा, यानी ये देखिए शीर्ष ऐसे है, फिर ये घूम जा रही है, फिर ऐसे, फिर इसको इस साइड में घुमाया जा रहा है ऐसे, हैं ये घूम जा रहे हैं एक दूसरे से। अब अगर देखें तो 28वें का आपका सी, मतलब इस साइड से घुमा हुआ नज़र आएगा इसका यह चित्र, तो इसका क्या होगा। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ आगे। अगला हमारा जो खंड है वो है आठवां। इसके अंतर्गत क्या है, आपको एक चित्र दिया होगा और चार चित्र अन्य दिए होंगे, ये बताना होगा ये चित्र हूबहू किसके अंदर पूरा का पूरा बैठा है, यानी ये जो चित्र है वो कहाँ पे बैठा है ये आपको वहाँ पे दिखाना पड़ेगा, यानी वो चित्र आपका किसके अंतर्गत पूरा का पूरा बैठा हुआ है। तो अगर 29 में देखें तो ये 29 वाले में देखिए सी में वो पूरा का पूरा चित्र आपका बैठा हुआ है, ये वाला चित्र 29 में देखिए, तो 29 वाला ये चित्र किसके अंदर पूरा का पूरा बैठा है, 29 के बाद 30वें में, हाँ 30वें में आप देखिए कौन सा पूरा पूरा चित्र बैठा है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान देना है तभी ये समझ में आएगा कि 29 में किसके अंदर बैठा है, 30वें, तो 30 वाले में आप गौर से देखें 30 में आपका किस में मिल रहा है, 30 में ज़रा और गौर से देखें इसमें कि पूरी आकृति किस में मिल रही है, तो 30 वाले में आप बहुत ध्यान से अगर देखेंगे तो जो डी है उसी के अंतर्गत ये बना हुआ है, तो डी वाला आंसर सही होगा। आप बात करेंगे 31 की, 31 वाली देखिए, ये 31 को बहुत ध्यान से देखें, ये अंदर है और रेखा को काट रहा है ऐसे,
तो ये देखिए इसके अंदर भी है यानी ए में है, और 32वें को अगर आप देखें तो 32 वाला पूछ रहा है यानी ये एल आकार उल्टा एल आकार किसके अंदर पूरा पूरा बैठा है, तो इसको बहुत ध्यान से देखें। तो ये 32 के अंदर है, देखिए ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, तो यहाँ 32 में बी वाला सही होगा। चलिए बढ़ता हूँ आगे। अगला प्रकार मित्रों है कि इस यानी इस चित्र का इससे जो संबंध है, ठीक इसी प्रकार से जो इसके बाद इसमें जो परिवर्तन हुए वो इसमें किसमें परिवर्तन होके कौन सा चित्र बन जाएगा ये हमको इसमें बताना है। तो 33 में विकल्प में जो हमें दिया था प्रश्नवाचक, देखिए चिन्ह की जगह विकल्प में दो आकृतियां रख देने पर समस्या आकृति दूसरे वाले जोड़े की आकृति बिल्कुल वैसे ही बन जाती है, यानी उसके अंदर हम एक लाइन खींच देते हैं तो बन जाती। तो ठीक इसी प्रकार से अगर आप 33 में देखें तो 33 में बी में बिल्कुल वही आकृति बन जाएगी। अब हम बात करेंगे 34 की। 34 को आप देखें, इसको देखिए पूरी चित्र था वो कट गया है, उसके बाद ये त्रिभुज है। त्रिभुज को मतलब ये यहाँ पर जो हमारा वर्ग था, वर्ग काट के देखिए ये आपके वर्गों को काट करके वर्ग जैसे ही अंदर उनके तीन भाग बना दिए गए हैं। आप 34 में इसको किसे यानी जो हमारा त्रिभुज है त्रिभुज को काट करके उसी के जैसे कौन से चित्र बन जाएंगे और बिल्कुल वैसे ही हूबहू ऊपर की ओर, तो हमारा यहाँ पर भी ये सी वाला होगा। अब अगर बात करें 35 की, तो 35 में क्या देखना है, मतलब जो भी चित्र दिया था उसमें वृत्त के नीचे बढ़ा दे, जो हमारा ये त्रिभुज है त्रिभुज को थोड़ा बढ़ा देते हैं ऊपर से ये ऐसे और ऐसे। तो ठीक इसी प्रकार से 35 वाले में अगर आप देखेंगे तो 35 वाले में थोड़ा सा इसको बढ़ाना था, तो 35 में कौन सा आंसर हो सकता है, बी वाला सही आंसर हो जाएगा जिसमें इसको बढ़ाया गया है। अब बात करें अगर 36 की, तो 36 वाले में ये देखिए पहले एक चार तीर थे बीच से कटे हुए थे, फिर उन्हें बिल्कुल सीधा कर दिया गया है और एक लाइन के अंदर बंद कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से 36 में होगा कि इन चित्रों को जो है ये जो हमारे तिरछे तिरछे हैं इनको सीधा करके बनाना रहेगा और एक उसके अंदर बंद कर देंगे। तो इस हिसाब से 36 वाला जो है वो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल देखिए बी जैसा बनेगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। चलिए मैं बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न है कागज को मोड़ना। यहाँ पर देखिए एक एक कागज़ दिया गया, उस कागज़ को पहले मोड़ा गया है, फिर उस मोड़ने के बाद फिर उस कागज़ को ऐसे मोड़ दिया गया है, मोड़ने के बाद उसमें एक बीच में छेद कर यानी एक कागज़ है उसे पहले 20 से मोड़ा गया, फिर जो आया फिर उसे 20 से मोड़ा गया, फिर उसके बाद एक छेद कर दिया गया, और छेद करने के बाद जब आप खोलेंगे तो कौन सी आकृति बनेगी, तो इसका मतलब इसमें चार हैं तो चार तो बनेंगे, तो इसका मतलब सी वाला उत्तर बिल्कुल सही होगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 को पहले मोड़ा गया है, फिर पुनः उसको देखिए इस साइड से मोड़ दिया गया, फिर मोड़ करके दो उस पर चिन्ह मतलब काट दिए गए हैं, तो ये देखिए एक तरफ से कट रहे हैं ऐसे, तो इसको खोलेंगे चूंकि एक ही तरफ मुड़े हुए हैं, तो एक ही तरफ से चार जो है आपके छोटे छोटे जो वृत्त जैसे बन जाएंगे, तो इस हिसाब से अगर खोला जाए तो हमारा बी बनेगा। और देखिए अगला क्वेश्चन नंबर हमारा 39, कागज़ को अगर देखिए मोड़ने की पद्धति दी गई है, 20 से मोड़ा गया है, फिर उसे मोड़ा गया, फिर उसके बाद दोनों को अलग अलग काटा गया, इसमें देखिए पूरे कागज़ को मोड़ा गया, तो यहाँ पर जो 39 है इसमें सारी जगह पर अलग अलग चित्र बन जाएंगे, क्योंकि उसमें एक के बाद दो, दो के बाद तीन, फिर उसे मोड़ करके दो दो उसके अंदर एक नहीं, तो इसका मतलब चार बार हुआ, दो चौके आठ उसके अंदर बनेंगे, और आठ कैसे बनेंगे, वो कोनों की तरफ इसने काटा तो कोनों की तरफ आठ यानी दो दो चार दो छः आठ, यानी 39 का यहाँ पे ए वाला बनता हुआ नज़र आएगा। 40 की बात करता हूँ, 40 में अगर आप एक त्रिभुज के दो टुकड़े करते हैं, फिर दोनों टुकड़ों को फिर इस साइड से मोड़ते हैं, फिर उसको भी मोड़ करके मोड़ते नहीं हैं, जो चित्र बनता है उसमें फिर एक वृत्त और एक दूसरा त्रिभुज काट देते हैं, तो चूंकि ये चार बार मुड़ चुका है, वृत्त आपका केवल नीचे ही एक बार मुड़ के रखेंगे, तो यहाँ पर दो आपके वृत्त बनेंगे, सॉरी चार वृत्त बन जाएंगे और दो त्रिभुज बन जाएंगे। इस हिसाब से अगर आप देखें तो आपका सी वाला बिल्कुल सही जवाब होगा। ये थे हमारे आज के 40 क्वेश्चन जो कि थे मानसिक योग्यता के। इसके सेकंड भाग में आपको मिलेगा गणित का पूरा प्रश्न, और तीसरे भाग में मिलेगी हिंदी जो कि पैटर्न है हमारे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का।
उम्मीद करता हूँ कि ये आपका सेट पसंद आया होगा। फिर मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट सेगमेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत।